Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher, and this is your SST book, SST geography book. It's an NCERT book, Social Science, The Earth, Our Habitat, Part 1. Textbook in geography for class 6th. So students, today we are going to read our third chapter in geography, Motion of the Earth. Matlab, Earth kis prakar se move karti hai. So let's start. As you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. जैसा कि आप जानते हो कि earth के दो तरीके के motion होते हैं, कौन कौन से, rotation और revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. अब rotation क्या होता है? Rotation वो होता है जब earth जो है वो अपने ही axis पर, अपने ही axis पर क्या करती है? Movement करती है. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. और जब earth जो है वो एक fixed path पर अपने orbit के ऊपर चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम revolution बोलते हैं. The axis of the earth which is an imaginary line. जो earth की axis है वो क्या है? वो एक imaginary line है. Makes an angle of 63.5 degrees with the orbital plane. The plane formed by orbit is known as the orbital plane. जो इसको कि क्या कहा जाता है? Orbital plane कहा जाता है. Due to the earth receives lights from the sun. जिसके कारण हमें क्या होता है? Sun से light की प्राप्ति होती है. मतलब sun light हमें मिलती है अर्थ के ऊपर. अर्थ थोड़ी टिल्ट है ना, तो जब वो टिल्ट होकर घूमती है तो जब वो सन एक अपने ऑर्बिट पे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो क्या होता है हमें? सनलाइट्स की मिलती है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ का शेप होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है ना. द अर्थ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या होती है? स्फेरिकल होती है ना. मतलब उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ऊपर से नॉर्थ और साउथ पोल से कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा चपटा होता है. ओनली हाफ ऑफ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम. उस जब हमारी अर्थ का ये देखिए ये जो भाग है ये टिल्ट है, वो एक तरफ सन के जब पड़ेगा, इस तरफ सन के सामने जो भाग पड़ रहा है वो क्या है? वो डे है. और इसके पीछे का भाग जो पड़ रहा है जहाँ पर डार्क है वो क्या हो जाता है? वो लाइट हो जाता है. जो हमारी अर्थ है उसके इस शेप की वजह से एक तरफ क्या होती है? दिन होती है और एक तरफ रात होती है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने होता है वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है. और जो पोर्शन अर्थ का सन के मतलब पीछे की तरफ शेड में होता है वहाँ पर उस टाइम क्या होती है? रात होती है. द सर्कल्स दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब जो ये सर्कल होता है ये दिन और रात को क्या करता है? आपस में बांट देता है, अलग अलग करता है. और इसी सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट कॉन्साइड विद द एक्सिस एज यू सी द फिगर 3.2. ये देखिए, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन. रोटेशन से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं. और रेवोल्यूशन से क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस. अब जो अर्थ है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाती है? रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लगाती है. ठीक है, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है ना. और अर्थ क्या करती है? अपने ही एक्सिस पर क्या करती है? घूमती रहती है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अ अर्थ डे. और जो अर्थ का जो रोटेशन का पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थ डे कहते हैं. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये क्या होता है? ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ है. मतलब रोज रात होती है ना. मतलब 24 घंटे, रात को 12 बजे मान लीजिए आपका बर्थडे आता है तो दूसरे दिन रात के 12 बजे तक आपका बर्थडे रहता है ना, 24 आवर्स रहता है ना. तो ये 24 आवर्स तक अपना वर्क करती है. मतलब 24 आवर्स क्या करती है? एक रोटेशन को कंप्लीट होने में लगता है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ
डिड नॉट रोटेट, अगर हमारी अर्थ क्या होगी, अगर रोटेट नहीं होगी तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ इज फेसिंग सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं होगी, अगर रोटेट नहीं होगी तो क्या होगा, जो सन के सामने वाला पोर्शन है वहाँ पर हमेशा क्या होगा, दिन ही रहेगा, है ना. दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म्थ टू द रीजन. और जब दिन रहेगा तो वहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, हर टाइम गर्मी ही का मौसम ही रहेगा. द अदर हाफ वुड रिमेन द डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट द टाइम. और फिर क्या होगा, जिस पोर्शन में डार्कनेस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा ठंड बनी रहेगी और वहाँ का मौसम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा. जब सनरेज पड़ती हैं तो उससे क्या मिलती है हमें, गर्मी मिलती है ना, ठंड होती है. तो ठंड में अगर हमें बहुत ठंड लगती है तो हम सोचते हैं ना कि भगवान सूरज निकल जाए जिससे हमें गर्माहट मिले, होता है ना. अगर सूरज नहीं निकलता तो हमें ठंड लगती है ना ठंड में. इसलिए अगर मान लो रोटेशन नहीं होगा अर्थ का तो क्या होगा कि जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने वहाँ तो ऑलवेज डे रहेगा और जो पोर्शन डार्कनेस में है वो हमेशा क्या रहेगा, कोल्ड बना रहेगा. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इज सच एक्सट्रीम कंडीशन. तो क्या हो जाएगा, लाइफ ऐसी कंडीशन में चल पाएगी, नहीं चल पाएगी. हम बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर पाएंगे, तो लाइफ उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. नाउ द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इट्स कॉल्ड रिवॉल्यूशन. अब जो दूसरा मोशन अर्थ का है जो अपने ऑर्बिट पर ही अपने चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं. इट टेक 365 1/4 डेज इन वन ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन. अब सन का एक चक्कर पूरा करने में हमें कितने दिन लगते हैं, कितना रेवोल्यूशन में टाइम लगता है, 365 दिन, मतलब 365 1/4 डे लगता है साल भर में. द वी कंसिडर्ड अ ईयर एज अ कॉन्स्टेंट ऑफ 365 डेज एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर अ सेक ऑफ कन्वीनियंस. हम फिर क्या करते हैं, जब 1/4 1/4 1/4 करके एक दिन बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, 365 डेज बन जाता है, 365 डेज में आ जाता है. और जब 1/4 1/4 हम ऐड कर देते तो वो कितना दिन बन जाता है, 366 डेज बन जाता है. ओके, नाउ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन. रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंजेस होते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, कभी ठंड आती है, कभी ऑटम आता है ना, तो सीजन चेंज के लिए होता है. 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक अ डेज 24 आवर्स. अब देखिए ये जो बताया था ना, 6 आवर्स जो होते हैं वो हर साल हम क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जो कि लास्ट में क्या बन जाते हैं, 6 6 6 6 6 6. 4 बार 6 हो गया तो कितने हो गए, 24 आवर्स, मतलब एक दिन हो गया. ओवर द स्पैम ऑफ 4 ईयर, जो कि 4 साल में एक बार होता है. दिस इज सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, जिसको कि हम फरवरी के महीने में जोड़ लेते हैं. दस एवरी 4th ईयर, इसलिए हर 4th साल फरवरी इज अ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज. इसलिए फरवरी में हर 4 साल में एक बार 29 डेज होते हैं 28 डेज की जगह. आप जानते हो ना फेब में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं, और 4 साल बाद उसमें एक डे और जुड़ जाता है तो कितने डेज हो जाते हैं, 29 डेज हो जाते हैं. तो सच अ ईयर विद अ 360 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर. तब उस ईयर को हम क्या कहते हैं, जब इसमें 360 डेज जुड़ जाते हैं तो उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं. फाइंड आउट एंड वेन विल नेक्स्ट लीप ईयर टू बी. अब आप खोजिए, अब आप सोचिए कि अब नेक्स्ट लीप ईयर कौन से ईयर में आएगा. फ्रॉम द फिगर 3.3 इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट. अब ये देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, स्प्रिंग से समर, समर से ऑटम, ऑटम से विंटर, ये हो रहा है ना, ये अर्थ ऐसे मूव कर रही है. ओके, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड द सेम डायरेक्शन. अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. हमारा जो जो साल में हमारे जो मौसम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम. सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अब सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ की जो पोजिशन है सन के सामने से जाने की क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए सीजन्स भी चेंज होते हैं. टुडे वी स्टॉप हेयर, देन वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर.